डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज को थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं पेरनकाइमा कोलनकाइमा एंड स्कलैरनकाइमा नेक्स्ट हेडिंग इज द परमानेंट टिश्यूज देखिए परमानेंट सेल्स डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर देखिए सबसे पहले मेरिस्टमेटिक टिश्यूज होते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यूज से परमानेंट सेल्स और उनसे आगे परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं ये फिक्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं देखिए डेफिनेशंस ऑफ परमानेंट टिश्यूज परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज देखिए ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जो सेम है है ना सिमिलर टाइप का है और सभी सेल्स जो हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म करे ऐसे परमानेंट टिश्यू को हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं देखिए ऐसा परमानेंट टिश्यू जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की सेल मिलती हो उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं तो देखिए इस वीडियो में हम सिंपल टिश्यूज या सिंपल परमानेंट टिश्यूज को हम डिस्कस करेंगे देखिए सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स जिसके अंदर सारी सेल्स सेम टाइप की हो उसको सिंपल टिश्यू कहते हैं और सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं लाइक पेरनकाइमा कोलनकाइमा एंड स्कलैरनकाइमा फर्स्ट देखिए पेरनकाइमा इट फॉर्म्स द मेजर पार्ट विद इन दर्गन किसी भी प्लांट के ऑर्गन के अंदर मेजर पार्ट जो होता है वो पेरे का बना होता है पेरनकाइमा की सेल्स जो होती है आइसोडमेट्रिक होती है इट मीन सेम डायमीटर की होती है सेल्स जो होती है वो स्पेरिकल ओवल राउंड पॉलीगोनल या इलोंगेट शेप की हो सकती है ठीक है वॉल ऑफ दीज सेल्स आर मेडअप ऑफ सेलोज इनकी सेल वॉल का फॉर्मेशन सेल्यूलॉज से होता है सेल्स आर क्लोजली पैक्ड और सेल्स हैलोर स्पेस सेल्स जो है पास पास तो होती है लेकिन इनके अंदर इंटर सेलोर स्पेस मिलता है आपके सामने पेरन कायमा सेल का इमेज है जिसके अंदर आपको इंटर सेल्यूर स्पेस दिखाई दे रहे हैं इनका फंक्शन क्या होता है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते बिकॉज ये ग्रीन कलर में होती है इनमें ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट मिलता है ये फूड को स्टोर भी कर सकती है और फूड का सिक्रेशन भी करती है नेक्स्ट देखिए कॉलेन कायमा कॉलेन कायमा जो होता है लेयर्स में मिलता है ठीक है डायकोट प्लांट के अंदर इट अकर्स बिलो द एपिडर्मिस डायकोट प्लांट के अंदर ये एपिडर्मिस के नीचे मिलता है इट इज प्रेजेंट एज होमोजीनस लेयर और पैचेस द कॉर्नर ऑफ दीज सेल्स हैव डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज हैमिसलोज पैक्टिन देखिए कॉलेन सेल के अंदर जो कॉर्नर्स होते हैं सेल के देखिए ये जो कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर्स के ऊपर सेलूलोज हेमीसेलूलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है दीज सेल्स आर ओवल स्फेरिकल और पॉलीगोनल ये या तो ओवल होगी या तो स्फेरिकल या पॉलीगोनल हो सकती है दीज सेल्स ऑफन कंटेन क्लोरोफिल इनके अंदर प्राय क्लोरोफिल हो सकता है ठीक है फिर देखिए दीज सेल एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट और जब ये क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है ध्यान रखिएगा इनके अंदर इंटरसेलर स्पेस एबसेंट होते हैं वो नहीं मिलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका ये फंक्शन देखिए इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोविंग पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक यंग स्टेम एंड पीट ऑफ द लीफ देखिए ये जो टिश्यू है बेसिकली ये प्लांट पार्ट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है प्लांट के पार्ट ऑर्गन ब्रांचेज या जो पीटी ऑफ लीफ होता है देखिए वो भी तो फ्लेक्सिबल होते हैं तेज विंड आती है या जो लीफ का ओरिएंटेशन है वो हमेशा सेम रहता है तो प्लांट के पार्ट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कॉलकाइमा के कारण आती है नेक्स्ट देखिए स्कलैर इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल इनकी सेल वॉल की थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है जहां पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है और सेल वॉल के अंदर कुछ या बहुत ज्यादा पिट्स मिलते हैं पिट्स क्या होते हैं पोर होते हैं ठीक है और जब इनकी सेल वॉल की थिकनेस इंक्रीज हो गई है तो किसी भी तरह का वाटर मिनरल का एक्सचेंज नहीं होगा तो सेल कैसी हो जाती है इनकी डेड हो जाती है इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलता है फंक्शन देखिए स्ल प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू तो द ऑर्गन्स देखिए ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देती बट ये हार्ड हो जाती है ठीक है ना ये हार्ड होकर के मैकेनिकल सपोर्ट देती है और हार्ड क्यों हो गई है बिकॉज इनकी सेल वॉल की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है क्योंकि तो वहां पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है ठीक है नेक्स्ट देखिए स्कलैर इज ऑफ टू टाइप जो होता है वो टू टाइप का होता है किस बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट पहला देखिए फाइबर्स सेकेंड है स्क्लेरिड्स फाइबर होते हैं थिक वर्ड होते हैं इलांगेटेड होते हैं पॉइंटेड होते हैं, आगे से नुकीले रहेंगे दीज आर अकरिंग इन इन ग्रुप्स वेरियस ऑफ प्लांट अलग अलग प्लांट के पार्ट के अंदर ये ग्रुप में मिलते हैं कौन फाइबर्स फिर देखिए स्क्लेरिड्स। ये स्पेरिकल ओवल या सिलेंड्रिकल होते हैं फिर देखिए दीज आर हाईली थिकनड डेड सेल्स नैरो इनके सेल वॉल पर डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है थिकनेस इंक्रीज होने पर इनकी कैविटी जो होती है वो नैरो हो जाती है दीज कैविटीज आर ल्यूमेन इन कैविटीज को हम ल्यूमेन कहते हैं देखिए आपके सामने ये डायग्राम जो है एक फाइबर का डायग्राम है और इस फाइबर के अंदर ये ल्यूमेन है और ये थिक सेल वॉल है ये डायग्राम स्क्लेरिड का है जहां पर देखिए थिकनेस इंक्रीज हो गई है ल्यूमेन जो है वो छोटी हो गई ल्यूमेन क्या होता है ल्यूमेन को मतलब होलो स्पेस ये जो ल्यूमेन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हॉलो स्पेस तो ये हॉलो स्पेस छोटा क्यों हो गया है बिकॉज पर थिकनेस इंक्रीज हो गई है और ये पिट्स हैं ये छेद होते हैं बाहर की तरफ और ये सेल वॉल जो है थिक हो गई है फिर देखिए स्कलैरिट्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं फ्रूट वॉल ऑफ नट्स नट्स की फ्रूट वॉल में आपको स्क्लैरिट्स मिलेंगे पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गवा पियर एंड सपोता मीन चीकू सीड कोट ऑफ लेग्यूम प्लांट्स और टी लीव्स के अंदर भी आपको स्क्लेरिट्स मिलते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग अ नाइस डे